पेशेवर तैराकी में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके मुंबई के मशहूर तैराक प्रभात राजू कोहली ने एक और हैरतअंगेज कारनामा कर दिखाया है। 11 मार्च को गुजरात में प्रभात कोहली ने सुबह 5 बजे गिर सोमनाथ जिले के सूतपाड़ा के धामलेज बंदरगाह से समंदर में छलांग लगाए और पानी में 30 किलोमीटर का अंतर तय करते हुए तैरकर सोमनाथ चौपाटी तक पहुंचे। उनके साथ आए एक अन्य युवक निहार पाटिल ने 21 किलोमीटर की दूरी तय की और सोमनाथ पहुंचे। जूनागढ़ के सांसद राजेश चुडासमा ने भेड़िया कोहली समाज और वैरावल खरवा समाज के नेताओं की मौजूदगी में प्रभात कोहली को फूलों का हार पहनाकर उनका सम्मान किया। सांसद ने बताया कि प्रभात कोहली ने अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए 5 घंटे में 30 किलोमीटर की समुद्री यात्रा पूरी की। उसके बाद वे सोमनाथ चौपाटी पहुंचे और मंदिर में महादेव के दर्शन किए। आज भेड़िया कोहली समाज द्वारा प्रभात कोहली आ तरण स्पर्धा पूर्ण करी अने भगवान सोमनाथ ना सानिध्य में दर्शन कराओ। मैं यहाँ पे सोमनाथ जी के दर्शन करने आया था। प्रभात राजू कोहली देश के इकलौते ऐसे तैराक हैं जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ओपन वाटर स्विमिंग कैप लॉन्ग डिस्टेंस में स्वर्ण पदक जीता है। प्रभात कोहली को वर्ल्ड ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन कैलिफोर्निया USA की ओर से सम्मानित किया जा चुका है। प्रभात कोहली एशिया में सबसे कम उम्र के ट्रिपल क्राउन तैराक हैं। उन्होंने जर्सी द्वीप और ओनाकाया आयरलैंड से सांता बाबरा तक की दूरी तैरकर पूरी की थी। तैराकी के 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम हैं। लिम्का बुक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी प्रभात राजू कोहली का नाम दर्ज है। गुजरात ब्यूरो, कोहली टाइम्स।